सुश्री अंजलि शर्मा, स्टेशन डायरेक्टर रेडियो कश्मीर जसवाल। कंपटीशन हुआ था, उसमें प्रथम रही आरुषि ठाकुर। स्वस्थ रहे डॉक्टर। और ख़ासकर जब ये सम्मान दिया जाता है, पहले तो साल में एक बार सम्मान होता था वुमेंस डे के ऊपर, लेकिन जब से मोदी जी ने आगाज़ किया है, जिसके अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक इनिशिएटिव तो नहीं कहूँगी लेकिन मिशन लेकर जो चल रहे हैं, और आज हर फोरम के ऊपर बेटियां सम्मानित महसूस कर रही हैं, बच्चियाँ सम्मानित महसूस कर रही हैं, और उनकी जितनी भी उपलब्धियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया जा रहा है। मिष्टी के बाद श्रुचि पिया डॉक्टर ऑफ कुलदीप डोडा से। आज मुझे एक टारगेट दिया गया था कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ द डॉटर्स ऑफ न्यू इंडिया करके वीक मनाना था, जो सारी कंट्री में मनाया जा रहा है 9th to 14th, तो उसके तहत आज हमने इनॉग्रल फंक्शन रखा हुआ था, जिसके तहत सुबह मॉर्निंग में हमने हमारे डिप्टी सीएम साहब निर्मल सिंह सर जी ने और एमओएस प्रिया सेठी मैडम और हमारे कृष्ण लाल भगत जी एमएलए खोड़ साहब ने ये फ्लैग ऑफ करी थी वैन, जो पूरी प्रोजेक्ट्स में ब्लॉक लेवल में आईईसी की जो वैन है ये जाएगी और बच्चियों को स्कूलों में और लोकल एरिया में जाकर बच्चियों के डॉटर्स ऑफ न्यू इंडिया को जो बच्चियां हैं बेटियां बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसके बारे में बताएंगे। दीन सी प्यारी सी मुस्कुराहट, वे भी आ जाएं, ये मुक्ता भी आ जाएं, होते हैं रेखा हरीश डॉक्टर रेणु शर्मा मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर अनीता सलगोत्रा हेल्थ ऑफिसर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अक्टूबर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो अभियान है जो 14 अक्टूबर तक चलेगा, इसका बहुत ही भव्य कार्यक्रम आज विमेन कॉलेज गांधी नगर में हुआ है और बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो सांग एंड डामा डिवीज़न है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो टास्क फोर्स है जम्मू कश्मीर की, सभी ने मिलके एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम उसकी शुरुआत की है।